अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? और उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, लेकिन इस टाइम सब लोगों को एक ही टेंशन है और फिक्र है। वो है जी, जो प्रदेश में हम लोग रहते हैं वो कहाँ खैर वाफियत से अपने 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 कंट्री जहाँ जहाँ वो जाना चाहते हैं वो पहुंच जाएं। तो इस टाइम क्योंकि हमें यूएई के रहने वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो प्रॉब्लम्स अब आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसी तरह जो फैमिलीज या जो लोग यूएई से बाहर फंसे हुए हैं वो स्पेशल रिक्वेस्ट भी डाल रहे हैं यूएई गवर्नमेंट को कि वो हमें परमिशन, इवन कि उनके पास अगर वो वैक्सीनेटेड भी हैं या अगर वो उनके पास मतलब वो आपकी हर कैटेगरी पे कंप्लीट है, वो पूरा उतरते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस अब भी हैं जिनकी वजह से वो नहीं जा सकते। जैसा कि मैं फैमिली के साथ पाकिस्तान में हम लोग आए थे और अभी फ्लाइट जो है वो बंद हो गई, फिर जब फ्लाइट अभी रिज्यूम हुई है तो हमें जब हमने टिकट बुक करने के लिए कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चे जा सकते हैं आप लोग नहीं जा सकती, और क्योंकि मुझे वैक्सीन अपने कंट्री से लगी हुई है पाकिस्तान से, और अभी पाकिस्तान में जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको ट्रेवल नहीं करने दिया जा रहा। फिर क्या हुआ जी, हमने एक रिक्वेस्ट है जो एक तो GDRFA की अप्रूवल है, एक ICA की अप्रूवल है जिसका मोस्टली सबको पता है, और सब लोग कह रहे हैं जी हमारे पास अप्रूवल है फिर भी हम नहीं जा सकते, हमारे पास ICA की अप्रूवल है फिर भी नहीं जाने दे रहे। तो ये अप्रूवल वो अप्रूवल है जो सिविल एविएशन अथॉरिटी, मैंने अब मेरी लास्ट वीडियो को भी काइंडली विजिट कर लें, उसमें मैंने बताया था कि जब मैंने कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने कहा है जी आपको एक स्पेशल अप्रूवल जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है सिविल एविएशन है दुबई की उनसे लेनी पड़ेगी, तो वो लेंगे तो ही आप ट्रेवल कर सकते हैं, तो ही आप टिकटें बुक करवाएं, अदरवाइज आपकी टिकटें अगर आपको ना जाने दिया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एयरलाइन ने हमें कहा। तो वो मैंने उनकी रिक्वेस्ट मैंने मेरी वीडियो में आप देखी होगी, मैंने एयर ब्लू के थ्रू भी डाली है, मैंने फ्लाइट दुबई को भी सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, लेकिन मुझे वो उन्होंने अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी को मेल की थी और उन्होंने आज मुझे रिप्लाई कर दिया है। आप मेरी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं जी, ये देखें 2 आवर्स अगो 4:40 PM पे मैंने उनको उनकी मेल मुझे मिली है, और ये मेरी ईमेल है देखें जिसमें मैंने ये मेरे अपने बेटे से कहा था कि आप अप्लाई करो, तो ये मेरे बेटे का नाम है सालार, उसने बताया कि मैं दुबई में स्टूडेंट हूँ और मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरी एज इतनी है और मेरे साथ मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरी मदर हैं, और हम लोग यहाँ स्टक हो गए हैं होम कंट्री में, और हमारे पास GDRFA की अप्रूवल भी है, हमारे पास वैलिड हमारा वीजा भी अभी है, तो अभी हमें काइंडली फिर भी नहीं जाने दिया जा रहा। उसकी रीजन यही है कि मेरी जो मदर है वो वैक्सीनेटेड में पाकिस्तान से हैं, तो हमारी हेल्प इस बारे में की जाए। तो उन्होंने फिर हमें ये एक ईमेल की है और उसमें लिखा है ये जिन जिन मैम ने आगे अप्रूवल दी है, मरियम अब्दुल हमीद बिन अली ने, उन्होंने कहा है कि ये जो आपको हम लिंक भेज रहे हैं ये 72 आवर्स के लिए है, यानी 3 दिन आप कह लें, और इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो आगे फिर वो हमें से पूरा, अगर आपने दोबारा रिक्वेस्ट डालनी है या डेटा आपका जो भी होगा वो आप यहाँ एंटर करेंगे, बताएंगे कि आप इस डेट को ट्रेवल कर रहे हैं, इस एयरपोर्ट से कर रहे हैं, ये आपकी एयरलाइन है, तो ये डिटेल की अप्रूवल भी हमें दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी से मिल गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बगैर विदाउट टेंशन के ट्रेवल कर सकती हूँ। लेकिन अभी भी जो मसला आ रहा है वो यही मसला आ रहा है कि फ्लाइट्स ही अवेलेबल नहीं है। जब मैंने अपने जो ट्रेवल एजेंट से कांटेक्ट किया उसने कहा अभी फ्लाइट्स हैं ही नहीं, फुली बुक्ड हैं, तो मैं उस हवाले से भी रिलैक्स हो गई हूँ कि अभी दुबई गवर्नमेंट ने जो हमारे वीजे जायदुल मियाद होने थे आउट ऑफ कंट्री से, उन्होंने कहा है कि आप टेंशन ना लें, अगर आपका 6 माह से ऊपर भी हो जाता है तो वो आपको अप्रूवल आमर से मिल जाएगी। तो इसलिए, लेकिन अगर मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मेरा ये मकसद है कि अगर आप में कोई अर्जेंट भी जाना चाहता है जिसको फ्लाइट मिल जाती है, वो किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, वो इंडिया से करता है, श्रीलंका से करता है, पाकिस्तान के किसी और सिटी से करता है, मतलब तो कहीं से भी, अगर वो कराची, जैसे हमारे से कराची बहुत दूर है, तो कराची से वाले अगर करना चाहें और वहां उनको रैपिड टेस्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो सारी रिक्वायरमेंट उनकी बाकी पूरी है, तो वो सिविल एविएशन से इस तरह अप्रूवल ले सकते हैं। इसको आप, इस अप्रूवल को आप कह लें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अप्रूवल, जैसे केयर टेकर एक होता है, कोई गार्डियन एक साथ जाना चाहता है स्टूडेंट की फैमिली के साथ, तो ये वो अप्रूवल हमें मिल गई है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं,
उम्मीद है अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप फ्रीली मुझे क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी प्रीवियस वीडियो के बारे में क्वेश्चन होते हैं तो काइंडली पहले मेरे चैनल को विजिट करें कि ये वीडियो के क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी हमें मिल गए हुए हैं, तो फिर आप वो कमेंट्स ना करें। अगर न्यू है तो आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज।